पर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आतंकी हमले का खतरा बताया जा रहा है। बिहार में चुनावी सभा के दौरान हमले का खतरा बताया गया है। सभा में नक्सली हमला भी किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में देखिए, 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां यहां पर होने वाली हैं। भागलपुर, गया और सासाराम में वो सभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी बीच यहां पर खुफिया एजेंसियों की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं बिहार में पटना में एक ऐसी जगह है जहां महज 1000 किलोमीटर में कोई भी शख्स नेता बन सकता है। माफ कीजिए, 1000 रुपए में यहां पर कोई भी जो शख्स होता है वो नेता बन सकता है। और पटना में वो जगह है वीरचंद पटेल पथ। संवाददाता राकेश सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ वीरचंद पटेल पथ। वीरचंद पटेल पथ इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय जो हैं इसी रोड पर स्थित हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन पार्टियों में ज्वाइन करने आता है पैंट शर्ट पहनकर, तो उसे 2 से 3 घंटे में उसे कुर्ता सिलकर उसे नेता बना दिया जाता है। चाचा, कैसा क्या क्या है चल रहा है बिहार में? बिहार में स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है। हाँ। काम धंधा बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। हाँ। नेता आ नहीं रहे हैं। हाँ। बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो है यहाँ पर सिलाई का कार्य यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल रहा है। और हमारे साथ दुकानदार साहब हैं, आप बताइए क्या माहौल है, क्या इस बार जो क्या बिहार में चल रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है सर अभी, और बस बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये जो नेता बनने आते हैं, जो पैंट शर्ट कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें कितने देर में आप नेता बना देते हैं? 2 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1200। क्या अभी सूरत हाल क्या है, क्या लग रहा है? अभी तो बाजार में कुछ दम नहीं है, मैं ठंडा गया बाजार। अभी लोग सब क्षेत्र में चले गए हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं है, अभी मंदा मंदी चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरह से जो तेजी आनी चाहिए थी, तेजी बाजार में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2 से 3 घंटे में नेता बन जाएंगे, ये इतना श्योर है। बैठे हुए हैं क्यों? बैठे हुए हैं, अभी काम धाम का स्थिति खराब है, अभी लॉकडाउन के कारण यही है, और क्या, काम नहीं मिल रहा है। एक आध दो आर पहले कितने कपड़े सीते थे? पहले आ जाता था 15-20 आ जाते थे, अभी 1-2 आ रहे हैं। दिन भर तपस्या करने के बाद 1-2 आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई RJD के भी आते हैं, BJP के भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कार्यालय है सभी प्रमुख दलों का, जिसको नेता बनना होता है उसको आप कितने देर में बना देते हैं? 2 से 3 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1000 से 1100 रुपये। 1000 से 1100 रुपये में वो नेता बन के चले जाते हैं। तो साफ तौर पर ये दृश्य है वीरचंद पटेल पथ का, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नेता बन सकता है। 2 से 3 घंटे यहाँ नेता बनने में लगते हैं, और 1000 से 1100 रुपये जो है खर्च होंगे और आप नेता बन जाइएगा। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया।